नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी हालिया है, यानी आसपास की है, बहुत नजदीक की बात है। आज जो घटना है वो है जिला जौनपुर की। जौनपुर से बनारस की तरफ अगर आप जाएंगे तो लगभग बीच में जौनपुर जिले की सीमा के भीतर ही केराकत एक कस्बा पड़ता है। केराकत थाना भी है, बड़ा थाना है और केराकत मशहूर कस्बा भी है। सोमवार यानी 21 मार्च 2022 को अल सुबह गांव के कुछ लोग जो सुबह शौच के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए, मेन रोड पे बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वो जा रहे थे तो उनकी नज़र सोहनी गांव, वहां पर एक चौकी क्षेत्र है, थाना गद्दी क्षेत्र बोलते हैं उसमें, सोहनी गांव है, बड़ा गांव है। सोहनी गांव के पास महेंद्र सिंह के खेत में एक लाश पर नज़र पड़ी। पहला रिएक्शन गांव का ये कि ये पता करने की आवश्यकता कि आखिर ये कौन आदमी है, ऐसा न हो ये अपने गांव या गांव के आसपास या अपने जान पहचान का व्यक्ति हो। सवेरे की बात थी, हल्ला मच गया, बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों में यही मरमरिंग यानी यही फुसफुसाहट होती रही कि यहाँ का तो लगता नहीं है, हालांकि चेहरे को ईंट से अच्छी तरह से कूच दिया गया था, शरीर को जलाने का भी प्रयास किया गया था, हाथ की घड़ी, मोटी चेन, ये सब मौजूद था, यानी कि लूट की कोशिश नहीं थी, सिर्फ हत्या ही मकसद था। बहरहाल 112 नंबर पर सूचना दी गई, थाना केराकत के लोग आ गए। गेहूं के खेत को प्राइमा फेसी देखकर ये लगता था कि सड़क से इस व्यक्ति को घसीटकर गेहूं के खेत के बीच तक लाया गया। खेत में भी इसके चेहरे और शरीर पर ईंटों से प्रहार किया गया। खींच के लाने की बात इसलिए भी क्योंकि जो रुद्राक्ष की माला मृतक ने पहन रखी थी उसके एक एक छोटे छोटे जो रुद्राक्ष के दाने हैं वो सड़क से और जहां पर लाश पड़ी थी एक एक दाने अलग अलग करके बिखरे पड़े हुए थे। लाने वाले लोग दो या दो से अधिक इसलिए रहे होंगे कि गेहूं के पके पकाए खेत में इस समय गेहूं के बिल्कुल कटने का सीजन आ गया है। अब तक तो गेहूं लगभग 50% सब जगह कट गए हैं, लेकिन उस समय जरूर बिल्कुल फसल राइप हो गई होगी, पक गई होगी, इसलिए एक दो व्यक्ति भी वहाँ पर अगर घुसेगा तो वो गेहूं के पौधे सूख जाते हैं, जो वो ज़मीन पर टूट कर गिर जाएंगे, दूर से दिखाई देगा कि इसमें कुछ लोग पैदल चले हैं। लिहाजा लोगों ने और पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है दो तीन लोगों ने मिलकर इस लाश को मुख्य मार्ग से खेत तक लाकर छोड़ दिया हो। फोटोग्राफ की गई, डॉग स्क्वाड मंगाया गया, फॉरेंसिक यूनिट आई, सारे सीनियर अधिकारी आए, एडिशनल एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार आए और एक बहुत ही यंग ऑफिसर, मेरा भी स्टूडेंट रहा है पुलिस में, उसका नाम है शुभम तोदी, ये सीओ केराकत पोस्टेड था, वो भी मौके पर पहुंच गया। उसने भी अपने जो कुछ भी उसने सीखा है, नई नौकरी हमारे ख्याल से पहली या दूसरी पोस्टिंग होगी, उसने भी चीज़ों को कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया। पहला प्रयास उसने किया लाश की पहचान कराने का, सारी पुलिस लगी, आसपास के गांवों को बताया गया, फोटोग्राफ खींची गई, कपड़ों की जो कलर है वो बताया गया, हालांकि उसकी जीन्स की पैंट वो जली हुई थी और ऐसा लग रहा था उसी पैंट को जलाकर उसकी शरीर को जलाने का प्रयास भी किया गया था।
काफी कोशिश की गई लेकिन उस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। शुभम तोदी ने वहां आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों के प्राइवेट कैमरे भी और दुकानों के कैमरे भी, उनको भी खंगालना शुरू किया। वाराणसी से थाना गद्दी जाने वाले मार्ग पर 3-4 जगह की सीसीटीवी फुटेज उन लोगों ने कोशिश की निकालने की, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं। बनारस के सटे हुए, यानी ये तो घटनास्थल जौनपुर का था, लेकिन इससे बिल्कुल सटा हुआ बनारस का इलाका शुरू होता है। वहाँ के गांव में भी सूचना दी गई, फोटोग्राफ और डिटेल जानकारी वहाँ के प्रधानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई कि अगर इस व्यक्ति की पहचान हो सके तभी विवेचना को आगे बढ़ाया जा सकता है। रात तक बहुत कोशिश करने के बाद भी इसका कुछ पता नहीं लगा कि किसकी लाश है। इसी बीच बनारस के पहाड़िया चौराहे के रहने वाले ब्रिजेश सिंह पटेल, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, वो शाम को, उनका बड़ा भारी मैरिज लॉन है जिसकी देखरेख भी ब्रिजेश सिंह पटेल उर्फ बबलू ही किया करते थे। शाम को बस थोड़ी देर के लिए वो अपनी गाड़ी लेकर निकले थे कि अभी आ रहा हूं, लेकिन रात में वापस नहीं लौटे। रात में 1 बजे के बाद उनके परिजन परेशान होना शुरू हुए। सवेरा होते होते उन्होंने इसकी पांडेपुर, लालपुर पांडेपुर में इनकी गुमशुदगी लिखवा दी। वो जिस गाड़ी को लेकर गए थे उस गाड़ी का भी पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने जो जौनपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर टोल है उसको, उसमें इस गाड़ी के रिकॉर्ड्स की तलाश की, तो ये पता लगा कि कार जौनपुर जनपद की सीमा में रात में 12:10 में आई थी और 12:44 में वहां से पास हो गई। यानी जो कुछ भी हुआ कुल 34 में हुआ। गाड़ी का भी कुछ पता नहीं लगा कि आखिर ये गाड़ी उसके बाद किधर चली गई। पुलिस के पास एक जानकारी यही आई कि एक व्यक्ति इसी हुलिया का वहां से लापता है, लिहाजा उस व्यक्ति के परिजनों को, यानी ब्रिजेश पटेल और बबलू के परिजनों को वहां पर शिनाख्त के लिए बुलाया गया। 22 मार्च को शाम को इसकी पहचान हो गई। 21 मार्च को सुबह पुलिस आई, पुलिस ने देखा, लाश का पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 22 तारीख की शाम तक घर वालों ने पहचान कर ली कि ये ब्रिजेश पटेल उर्फ बबलू है। पुलिस ने ब्रिजेश पटेल के मोबाइल नंबर के सीडीआर निकालने शुरू किए। फोन बंद होने के ठीक पहले जिस व्यक्ति से बात हुई थी उसको ढूंढा गया, उसे पुलिस ने उठाया। उसका नाम सोनू था। सोनू ने बताया कि उस दिन रात में करीब 12 के आसपास ये ब्रिजेश पटेल उर्फ बबलू शराब के नशे में चुनमुनपुर गांव के पास खड़े हुए थे। वो अपना फोन गाड़ी के भीतर कहीं भूल गए थे जो उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने, मैं शौच के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझसे मेरा फोन लिया और कहा कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, कहीं गिर गया है, जरा एक बार मेरे फोन को डायल कर दो। सोनू ने कहा मैंने फोन डायल किया और उनकी गाड़ी के भीतर ही वो फोन बजने लगा।
उन्होंने खोला उसको, वो सीट के जिस सीट पे बैठे थे ड्राइविंग सीट पे उसके पीछे कहीं पर फंसा हुआ था, उसको खींच के निकाला और मुझे धन्यवाद कहा, मैं चला गया। लेकिन इस बीच वहां पर सचिन भी नितिन भी आ गया था। नितिन वही चुनमुनपुर का ही रहने वाला था और उसकी पत्नी और पत्नी का भाई ब्रिजेश पटेल के यहाँ काम करते थे मैरिज लॉन में। बहन तो काम नहीं करती थी लेकिन भाई उसका मनीष इनके मैरिज लॉन में काम करता था। लेकिन उसने सिर्फ यही बताया कि नितिन भी उस समय आ गया था, मैंने नितिन को उनके पास खड़े हुए देखा था। नितिन भी उठाए गए। जैसे ही नितिन उठाए गए पूरी बात कड़ी दर कड़ी खुलती चली गई। दरअसल हुआ यूं कि मनीष ब्रिजेश पटेल के मैरिज लॉन में काम करता था। उसकी बहन सरोजा वो भी कभी कभार मैरिज लॉन में आया करती थी। कभी जब उसको मैरिज लॉन में आने में देर होती थी तो ब्रिजेश को फोन करके सरोजा उससे पूछती थी कि अभी तक वो वहीं है, चला कि नहीं चला या कितनी देर में चलेगा। बात करते करते और इसी लॉन में 4-6 बार की मुलाकात के बाद ब्रिजेश पटेल का दिल सरोजा पर आ गया। ऐसा आया कि दोनों के संबंध हो गए। मनीष को भी इसकी भनक लग गई। घर वालों ने मिलकर उसकी शादी कर दी। मनीष पाल उसका नाम था और शादी हुई जो वो बनारस के ही थाना चौबेपुर क्षेत्र के चुनमुनपुर में नितिन से उसकी शादी हो गई। मनीष पाल ने सोचा शादी होके अपने ससुराल चली गई, इनसे पिंड छूटेगा, बदनामी नहीं होगी और लोग नहीं जानेंगे। लेकिन घटना वाले दिन यानी 20 मार्च को रात में एक पार्टी, कोई वहां पर मैरिज पार्टी रही होगी, पार्टी के बाद वहां पर 2 प्लेट चिकन उन्होंने अपने आदमियों से पैक कराया। पैक कराकर वो अपनी गाड़ी से घर गए। घर वो चिकन रखा और फिर ये कह के कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वहाँ से निकल गया। वो सीधे चुनमुनपुर पहुँचा, सरोजा की ससुराल। दरवाज़ा खटखटाया, नशे में था। सरोजा बाहर निकली, उससे कहा मेरे साथ चलो। सरोजा के पीछे पीछे उसका पति नितिन भी वापस आ गया, उसके साथ ही बाहर आ गया। नितिन से ब्रिजेश ने कहा कि तुम जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं सरोजा को लेकर जा रहा हूं, कल छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही सरोजा आपे से बाहर हो गई, क्योंकि उसके पति के सामने इस तरह की बात कोई कैसे कर रहा है। उसने वहीं पर अपने भाई मनीष को फोन किया और ये कहा कि यहाँ तुम्हारे मालिक ब्रिजेश आए हुए हैं और मेरे ससुराल में हंगामा कर रहे हैं, तुम तुरंत आ जाओ। मनीष और मनीष के साथ उसका दोस्त दीपक चौहान उर्फ दीपू वहीं रमरेपुर पहाड़िया का रहने वाला था, वो वहां पर मौके पर पहुंच गए। किनारे ले जाकर मनीष से उन्होंने बात करने की कोशिश की, हाथ जोड़े पैर जोड़े कि मेरे बहन की ससुराल है,
लोग इकट्ठा होंगे, मेरी बदनामी होगी, लोग 100 सवाल मुझसे भी पूछेंगे, 100 सवाल सरोजा से भी पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? आप कतई तमाशा न करें, आइए हम लोग बैठ के गाड़ी के भीतर बात करते हैं। किसी बहाने से ब्रिजेश पटेल को लेकर मनीष गाड़ी के भीतर आ गया। वो ये कहता रहा कि आप मालिक हैं, आप चले जाएं, इस तरह यहां पर आकर इस तरह का तमाशा करना, हंगामा करना, ये ठीक नहीं है। मनीष उसकी बहन सरोजा के बारे में अश्लील बातें करने लगा। थोड़ी देर तक मनीष ने सहन किया, लेकिन उसके बाद गाड़ी में रखी हुई जो वो रॉड होती है, टाई रॉड क्या बोलते हैं उसे, उस रॉड से उसे नशे में था ही उसे बाहर घसीटा और उस रॉड से सिर पे कई वार कर दिए। मारने के बाद फौरन दीपक यानी उसका दोस्त दीपू, जो दीपक चौहान और दीपू, सरोजा, नितिन और मनीष ने बॉडी को गाड़ी से मेन रोड से हटा के पास के सबसे पास के खेत में भीतर तक ले गए। पहले उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे ही डालने की कोशिश की, ईंटों से उसके चेहरे को अच्छी तरह कुचला, उसका गला दबाया, उसकी पैंट जीन्स उतारकर उसमें माचिस से आग लगाकर उसके चेहरे को और पेट को जलाने का प्रयास किया। जब ये सब नहीं हो पाया तो लाश को छिपाने की गरज से इन चारों लोगों ने उसको घसीटकर खेत के बीच में लेकर रखा वहां और फिर ईंटों से कई कई बार उनके सिर पर वार किया। मौके से बरामद 4 खून आलूदा ईंट उसी दिन इस बात का इंडिकेशन दे रही थी कि इसको मारने की ही नीयत से मारा गया है, दूसरी कोई बात यानी लूट या दूसरी और कोई बात समझ में नहीं आती है। वहां मारने के बाद ये लोग गाड़ी से, यानी आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि 12:10 पे वो गाड़ी क्रॉस हुई थी, यानी वो चुनमुनपुर गया था ब्रिजेश पटेल, और 12:44 को लाश लेकर नितिन, मनीष और दीपक फिर वापस बनारस की तरफ आए, यानी ये सारा काम 34 मिनट में कर दिया। वापस आने का भी कारण ये था कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के हाईवे के किनारे खुटहना में उपली का एक ढेर अच्छी तरह से बना के एक तरफ से गाड़ी के जाने का रास्ता बनाया गया था। ये मनीष का जीजा नितिन, उसने ये किया था कि गाड़ी जहां भी रखी जाएगी पुलिस वहीं से ट्रेस करेगी, लिहाजा इसको उपले के बीच में रखकर इसमें आग लगा देनी चाहिए। यही उन लोगों ने किया भी, क्योंकि नंबर प्लेट को खोलने की कोशिश करने में ये सारे के सारे नाकाम रहे। पहले उस उपले के ढेर में गाड़ी को ले जाकर खड़ा किया, फिर उसके ऊपर उपले रखे, फिर उसके ऊपर आसपास जो जली हुई सूखी हुई पत्तियां थी वो रखी और उसमें आग लगा दी, जिस कारण 12:44 के बाद, जो मैंने आपको बताया, 12:44 के बाद ये गाड़ी किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। जैसे ही सवेरे ये पता लगा कि ब्रिजेश की ही हत्या हुई है, थानागद्दी क्षेत्र में सोहनी गांव के पास जो लाश मिली है वो ब्रिजेश की थी, तो ब्रिजेश के छोटे भाई ने सबसे पहले मनीष को फोन किया, क्योंकि मनीष उनका सबसे ट्रस्टेड
लेफ्टिनेंट था या कह लीजिए उनका सबसे ट्रस्टेड कार्यकर्ता था। सारा मैनेजमेंट मैरिज लॉन का उसी के हाथ में था। वो पहचानने के लिए भी घर वालों के साथ गया। वहां से लौटकर पहाड़िया के व्यापार मंडल वालों ने और मैरिज लॉन वालों ने एक चक्का जाम किया। 3-4 घंटे तक पांडेपुर चौराहे को जाम करके रखा उन्होंने। व्यापारियों ने मांग की कि 24 घंटे के अंदर अगर ब्रिजेश के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो हम बाजार को बंद करेंगे। उस दिन भी जिस दिन इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था वहां पर पूरी बाजार को बंद करा दिया था। सारे पुलिस अफसर मौके पर आए थे। लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि हम बहुत जल्दी केस के नज़दीक तक पहुंच गए हैं, केस को वर्कआउट करेंगे। मनीष उस विरोध प्रदर्शन को भी ऑर्गेनाइज करने में सबसे सक्रिय था। अधिकारियों से जब बातचीत हो रही थी उसमें भी सारी बातचीत मनीष ही कर रहा था और बीच बीच में दहाड़े मारकर रो भी रहा था। जब मनीष, उसकी बहन सरोजा, दीपक और नितिन गिरफ्तार हुए, बहनोई जो उसका नितिन था वो गिरफ्तार हुआ, तो पुलिस ने पूछा कि जब पुलिस वहां पर वो जाम खुलवाने के लिए गई थी और तुम छाती पीट पीट कर रो रहे थे, ये ड्रामा तुम कैसे इतना अच्छी तरह से कर पा रहे थे? मनीष ने कहा, साहब असलियत तो मैं ही जानता था। सही बात तो यह है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी रोजी रोटी उन्हीं के यहां से थी, लेकिन मेरी बहन के बारे में जिस तरह की बातें वो मुझसे नशे में कर रहे थे, एक सीमा के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं रो इसलिए रहा था कि अगर मैं न रोता तो हर आदमी को, इवन पुलिस को भी मुझ पर ही शक होता। इसलिए मैं परिवार वालों से ज़्यादा ही रो रहा था, परिवार वालों से ज़्यादा ही परेशान हो रहा था और परिवार वालों के साथ पोस्टमार्टम मॉर्चरी में जाना, पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचना, पहचान करने में जाना, FIR लिखवाने में जाना, हर जगह मैं साथ ही साथ था। चौबीस घंटे का अल्टीमेटम व्यापारियों ने दिया था, लेकिन जो यंग अफसर हमारा शुभम तोड़ी, डॉक्टर संजय कुमार, जब मैं SSP लखनऊ था तो मेरा SP क्राइम था और अजय साहनी वहाँ SSP हैं, इन सारे लोगों के प्रयास से, खासकर शुभम टोडी ने जो प्रयास किया, उससे 14 घंटे में ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो पाया। IG रेंज वाराणसी श्री सत्यनारायण जी ने जौनपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस टीम ने, जिसने दिन रात मेहनत करके इस केस का खुलासा किया था, उसको नगद पुरस्कार दिया। शुभम टोडी और डॉक्टर संजय प्रसाद को प्रशस्ति पत्र, संजय कुमार को प्रशस्ति पत्र भी दिया, उनकी मेहनत के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो CDR से वो असली कल्प्रिट तक पहुंच पाए उसके लिए भी उनको शाबाशी दी गई। आज की घटना, आज भी आशनाई के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध लघु सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति किसी भी क्षेत्र में, अति यानी ज्यादती, ज्यादा होना, एक्सेसिव होना, ये किसी भी क्षेत्र में हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इससे दूर रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की अति, खाने की अति, पीने की अति, दौड़ने की अति, सब चीज़ अपने अपने उसमें होनी चाहिए, जो उसका पैरामीटर है उसके हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए इस लघु सूक्ति में यह कहा गया है, अति सर्वत्र, कोई चीज़ उन्होंने उसमें छोड़ी नहीं है, सब चीज़ों के लिए कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। एक तो बेचारा मनीष
अपने परिवार को पालने के लिए मैरिज लॉन में नौकरी कर रहा था और उसी नौकरी से उसका परिवार चलता था, माँ बाप भाई बहन सब। लेकिन उनका मालिक पैसे के नशे में चूर उसकी बहन पर खराब निगाह उसने डाल दी और गरीब लोग थे, पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे थे, बहन को इस किसी तरह से बरगला के बहला के फुसला के धमका के उससे संबंध बना लिए। एक तो ये अति, क्योंकि वो नौकरी कर रहा था, वो उनका कृपा पात्र था, वो मालिक के दया का भी पात्र था, पर उस गरीब की बहन पर उसकी बुरी नजर पड़ गई। मनीष ने इस बुरी नजर को भांप भी लिया और फौरन आनन फानन में इधर उधर से पैसा उधार लेकर बहन की शादी भी कर दी। बहन चली भी गई खुशी खुशी, ससुराल में रहने लगी, लेकिन शराब पीकर मनीष की बहन सरोजा के ससुराल रात 12 बजे पहुंचकर दरवाजा खटखटा देने, आप अंदाज लगाइए। और जब उसका पति बाहर निकले तो उससे ये कहना कि तुम जाकर सो जाओ, देर रात हो गई, सरोजा को मैं लेकर जा रहा हूं। सरोजा के पति को यह समझ में मतलब क्या मूर्ख था वो, कि वो समझ में नहीं आएगा, किसी की भी समझ में आएगा कि ब्रजेश कहना क्या चाह रहे थे। और सरोजा को भी इतनी बेइज्जती महसूस हुई होगी कि उसकी ससुराल में उसके पति के सामने कोई उससे ये कहे कि तुम मेरे साथ चलो और पति से कहे कि तुम घर में जाके सो जाओ। उसने भी फौरन अपने भाई को फोन करके बुलाया कि तुम्हारे मालिक मेरे ससुराल आकर हंगामा कर रहे हैं। भाई भी भाग के आया, जरूर उसको अंदाज पहले से भी था, भांप लिया था कि वहां किस लिए गए होंगे और किस तरह का हंगामा काट रहे होंगे हमारे मालिक। उसने भीड़ से अलग करके, परिवार से अलग करके, बहन बहनोई से अलग करके उनको समझाने की भी कोशिश की। देखिए, मैं यहाँ पर हत्या को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हत्या हत्या है, अपराध है, जघन्य अपराध है। मैं उन परिस्थितियों का जिक्र कर रहा हूँ जिन परिस्थितियों में ये हत्या हुई है। ऐसी परिस्थिति में लड़की का पति या लड़की का भाई क्या कर सकता है? वही किया जो इस घटना में हुआ है। देखिए, इज्जत सबकी होती है, इज्जत कभी कम या ज्यादा नहीं होती, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो मालिक की इज्जत हो, चाहे वो नौकर की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, और यहाँ तक कि बाजार में अपना जिस्म बेचने वाली सेक्स वर्कर्स की भी अपनी इज्जत है। उनके साथ भी अगर कोई जबरदस्ती करे या उनका कोई अपमान करे, उनकी भी FIR लिखी जाती है। और ऐसे कई मामले मेरी सर्विस में गुजरे हैं जिसमें अपने अपमान या अपनी इज्जत पर खतरा देख के या अपनी इज्जत को बचाने के लिए थाने पर FIR हुई है और न्यायालय ने, अदालतों ने भी उनके साथ न्याय किया है। FIR हुई है, अरेस्ट हुए हैं, ट्रायल हुआ है और न्यायालय ने भी उनके साथ न्याय किया है, अदालतों ने फैसला दिया है, इसको स्पष्ट किया है कि उनकी भी इज्जत है और उनकी मर्जी के बगैर उनकी इज्जत से खिलवाड़ अपराध है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।